इंदौर शहर में जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस विभाग सहित सामाजिक संगठनों के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान के तहत लाखों लोगों को वैक्सीनेशन का पहला व दूसरा डोज दिया गया है। 2,84,216 शहरवासियों को दोनों डोज कम्प्लीट हो चुके हैं। इंदौर शहर ने प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों को वैक्सीनेशन अभियान के तहत पीछे छोड़ते हुए लाखों लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज उपलब्ध कराने में अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। इसी कड़ी में अभियान के 3 दिन पूरे होने के बाद अभी तक 22,08,004 लोगों को वैक्सीनेशन का डोज लगाया गया है, जिसमें से वह 19,16,178 लोगों को पहला डोज व 2,84,216 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। 700 सेंटर्स पर यह वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में कुल 28 लाख से अधिक की आबादी को मानते हुए अभियान निरंतर जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन के अभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ सेंटर बंद किए जाएंगे और जो सेंटर संचालित किए जाएंगे वहां उन सेंटर्स पर 2,000 वैक्सीनेशन के डोज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि अभियान निरंतर चलते रहे। और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी का कहना है कि शहरवासी वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, इसी कारण से यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि शहरवासी आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की। आज हमारा जो टीकाकरण अभियान जो चल रहा है, महाअभियान इसको बोल सकते हैं, तो इसमें आज हमारा लगभग 1,60,000 के क्रॉस हो गया है और अभी भी निरंतर अपने यहाँ आंकड़े चल रहे हैं। कई जगह की साइटें भी चल रही है तो उसके आंकड़े रात तक आ जाएंगे पूरी तरह। अब मैं लग रहा है कि 1,60,000 से ऊपर ही चले गए हैं हम। कितना टारगेट सर डिसाइड किया था आज के लिए? आज के लिए हमारे जो स्टेट्स, हमारे जो टारगेट था वो 1,00,000 डोजेस पर डे का था, तो फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट डे किया था वो 2,03,000 जो हुआ था, तो 2,22,000 से ऊपर जो गया था हमारा फर्स्ट डोज। और आज सेकंड डोज में जो हमने कीर्तिमान किया है, एक तरह से इंदौर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कलेक्टर साहब और नगर निगम मैडम इन लोगों के सबके सहयोग से और इनके मार्गदर्शन में जो टीकाकरण पुलिस विभाग के उनके सबसे से चल रहा सहयोग से, तो आज भी हम लोगों ने 1,60,000 के आसपास क्रॉस कर लिया है। और ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों में जन जागरूकता आ रही है पूरी तरह से और बिल्कुल लगे होड़ लगे हुई है कि हमें। सर ये कितना हो चुका है और कितनी पॉपुलेशन गिन रहा है इंदौर? हमारे को जो टारगेट है वो 28,00,000 के आसपास, 28,00,000 से ऊपर लगभग हमारे को टारगेट है। उसके अगेंस्ट अभी तक जो हमारा फर्स्ट टोटल डोज जो लग गए हैं वो लगभग 22,804 के आसपास, 22,08,004 डोजेस हमारे टोटल हो चुके हैं। इसके अलावा जो अगर फर्स्ट डोज की हम बात करें तो 19,16,178 जो डोजेज है वो हमारे फर्स्ट डोज हैं, और सेकंड डोज जो लगे हैं वो 2,84,664 डोजेस हमारे अभी तक लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हम बहुत जल्द, हमको वैक्सीन अब मिल रही है। जैसे वैक्सीन मिलेगी तो कल का भी हमारा, चूँकि वैक्सीन की थोड़ी कमी ज़रूर है, तो कल हमारा टारगेट लगभग 35,000 के आसपास का टारगेट है, वो हम कल अचीवमेंट बहुत इजी कर लेंगे। और हमको कल दोपहर वैक्सीनेशन सेंटर कितने रखे गए थे? वही जो परसों हमारे करीब 350 जो रखे थे सेशंस, उन सेशन 650 के आसपास, तो वही सेशन रखे थे। जो हमारे 345 सेशन तो हमारे अर्बन में रहते हैं और लगभग 300-349 के आसपास हमारे अर्बन रूरल में रहते हैं। तो इस तरह से हमारे लगभग ये मान के चले कि हमारा 700 के आसपास हमारे सेशन जो लगातार चल रहे हैं वही थे, पर कल हमारे सेशन ज़रूर कम रहेंगे। हम लोग चार हमारे जो ब्लॉक है उन ब्लॉक्स में हम 5,000-5,000 डोजेस देंगे और जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पर नगर निगम के जोन और जो हमारे ड्राइंग रन चल रहे हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन कल होगा, बाकी दूसरी साइटें काफ़ी जगह से बंद होगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।